حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم صدق الله العلي العظيم الله ملائكته يصلون على الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وصلى عزیز دوستو واجہ احترام زرگو انتہائی پیارے بیٹو میری پیاری ماں بیٹیو عاجز نہ گار بندے نے आपके सामने अल्लाह ताला के पाक कलाम में से एक हिस्सा तलावत करने का शर्फ हासिल किया। रब्बुल इज्जत से दुआ है वो पाक ज़ात आजिज़ को सही मफहूम बयान करने की, आप सबको सुनने की, हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला ने अपने पाक कलाम में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ लोगो जो साहिब ईमान हो तकवा इख्तियार करो, अल्लाह का खौफ इख्तियार करो, रब की खशियत इख्तियार करो। अल्लाह का खौफ क्या है, रब की खशियत क्या है? मेरे प्यारे भाई, मेरे बेटे, मेरी प्यारी बहन, मेरी प्यारी बेटी, अल्लाह ताला से डरता हुआ अल्लाह ताला की अताअत करे और अल्लाह ताला की नाफरमानी को छोड़ दे और ज़िंदगी के आखिरी सांस तक ये खौफ रहे, पता नहीं अल्लाह ताला मेरे आमाल को कबूल करेगा या रद्द कर देगा। इसे कहते अल्लाह का खौफ, रब की खशियत। हजरत वकूर रहमतुल्लाह अलैह ज़माने के मुहद्दस हैं, आप फरमाते अल्लाह का खौफ तकवा रब की खशियत चीज़ का नाम है। जिस तरह हम अपने ज़ाहिर को मखलूक के लिए आरास्ता करते हैं, अपने ज़ाहिर को मखलूक के लिए पैरास्ता करते हैं, इसी तरह हम अपने बातन को खालक के लिए आरास्ता करें और अल्लाह ताला हमें वो काम करते हुए ना देखे जिससे अल्लाह ने हमें रोक दिया है। इसे कहते हैं तकवा, अल्लाह का खौफ, रब की खशियत। इस कुरान पाक के हिस्से में अल्लाह ताला ने पहला हुक्म ये फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ लोगो जो ईमान वाले अल्लाह से डरो, तकवा इख्तियार करो। और आगे अल्लाह का इरशाद है, वकूलू कौलन सदीदा, और सीधी बात कहो, हक बात कहो। मेरे प्यारे भाई, मेरे बेटे, इस आया करीमा के हिस्से को गौर से सुनो। जो कहते हैं कि हम ठीक है नमाजें पढ़ रहे हैं, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, बाकी मखलूक से हमें क्या काम, ये निजात का रास्ता नहीं है। अल्लाह ताला का इरशाद है, सीधी बात, हक बात कहो। और ये उसी चीज़ की तशरीह है कि नेकी पर अमल तो करो लेकिन नेकी का हुक्म दो, बुराई से रोको। हर मुसलमान का ये फ़र्ज है वो हक बात कहे, हक कौल कहे, और हर नेकी जिससे अल्लाह उसका रसूल राज़ी होते हैं वो सीधी बात है, वो हक बात है, उस पर अमल करने का भी हुक्म है और उसको आगे पहुंचाने का भी हुक्म है।
या अल्लाह अगर तेरा कोई बंदा, तेरी कोई प्यारी बंदी हक कॉल कहती है, हक बात करती है, हक का पैगाम सुनाती है, हक की बात पहुंचाती है, उसका बदल क्या है? अल्लाह ताला ने फरमाया युस्ले लकुम आमालकुम, फिर मैं तेरे अमालों को तेरे लिए संवार दूंगा। ऐ मेरे बंदे, तेरी नेकियों की मुझे जरूरत नहीं है, मैं तो बेनियाज हूँ, मेरा करम देख। जब तू हक बात बोलेगा, सीधी बात बोलेगा, अल्लाह की बात पहुंचाएगा, उसके सदके मैं तेरे आमाल को तेरे लिए संवार दूंगा। आमाल कैसे संवरते हैं? नमाज पढ़ना नेकी, सदका करना नेकी। मेरे भाई, मेरे बेटे, मेरी प्यारी बहन, मेरी बेटी, अगर इस नेकी में इखलास ना हो, लिल्लाहियत ना हो, अल्लाह की रजा मकसूद ना हो, ये सारे अमल ऐसे उड़ जाएंगे जिस तरह हवा आए और खाक को लेकर उड़ा दे। ये कैसे संवरते हैं? जब इन आमाल में अल्लाह की रजा शामिल हो जाती है, ये अमल संवर जाते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है फिर मैं तुम्हारे लिए इन आमाल को संवार दूंगा। युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फिर लकुम, और तुम्हारे गुनाहों को भी माफ फरमा दूंगा। मेरे प्यारे भाई, मेरे बेटे, मेरी प्यारी बहन, मेरी प्यारी बेटी, बाद मुफसरीन हजरात फरमाते हैं कुरान पाक का ये हुक्म वकूलू कौलन सदीदा, इसका मतलब ये है तू ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र कर। जब तू ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करेगा, मैं तेरे आमाल को संवार दूंगा। कलमे के जिक्र की बरकत से तेरे कलम में इखलास पैदा कर दूंगा, तेरे कलम में लिल्लाहियत पैदा कर दूंगा, और इस जिक्र की बरकत से जब तेरे आमाल संवर जाएंगे, तेरे आमाल की इस्लाह हो जाएगी, तेरे आमाल में लिल्लाहियत और अल्लाह की रजा शामिल हो जाएगी, ये आमाल संवर जाएंगे और तेरे गुनाहों को भी मैं माफ फरमा दूंगा। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है अफजलुल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह के जिक्र में अफजल तरीन जिक्र है ला इलाहा इल्लल्लाह। इसके पढ़ने से अल्लाह के हुक्म के मुताबिक आमाल की इस्लाह तो होती है, इखलास तो पैदा होता है, लेकिन इस जिक्र के सदके से अल्लाह ताला गुनाहों को भी माफ़ फरमाता है। इस बात की तस्दीक अल्लाह के महबूब के इरशाद मुबारक के मुताबिक मेरे महबूब ने फरमाया जब तुम सुबह शाम अल्लाह के जिक्र से अपनी ज़बानों को तर रखोगे तो सुबह शाम ऐसे हो जाओगे तुम्हारे जिम्मे कोई गुनाह ना होगा। मालूम चला दिन सुबह शाम अल्लाह का जिक्र करने वाला, ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करने वाला, अल्लाह इसके सदके से इसकी सुबह शाम ऐसी कर देगा, इसके अल्लाह सारे गुनाह माफ फरमा देगा। मेरे प्यारे भाई, मेरे बेटे, मेरी प्यारी बहन, जब अल्लाह ने अपने प्यारे रसूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाया ऐ मेरे रसूल लोगों को मेरी तरफ बुलाओ, हक की दावत दो, तो अल्लाह के महबूब मदनी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान क्या फरमाया या अय्युहन्नास कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ऐ लोगों कहो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तुम फलाह पा जाओगे, दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे और आखरत में भी कामयाब हो जाओगे। ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, इस पे थोड़ा सा तवज्जो फरमाएं। जब आपसे कहा जाए पढ़ें बिस्मिल्लाह,
इसका मतलब होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब ये कहा जाए कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के महबूब ने अपनी कौम को दावत दी, इंसानों को दावत दी, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलेहु, यानी ऐ लोगों पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तुम इस चीज का इकरार करो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं मुहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ। अगर तुम ये कलमा पढ़ोगे तुम फलाह पा जाओगे, यानी दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, आखरत में भी कामयाब हो जाओगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, उस वक्त तक क़यामत बरपा ना होगी जब तक एक भी कलमा गो मौजूद होगा। अंदाज़ा लगाएं एक शख्स जो ये पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसकी इतनी अज़मत है, इतनी शान है, जब तक वो मौजूद है क़यामत बरपा ना होगी। एक कलमा गो के सदके अल्लाह ताला क़यामत जैसे अजाब को टाल के रखे, क़यामत जैसी मुसीबत को दूर रखे, इस कलमे की क्या अजमत और शान होगी। हदीस पाक अल्लाह के महबूब फरमाते हैं रोज़े क़यामत लोगों के पसीने से ज़मीन पर 70 गज पसीना हो जाएगा, लोग परेशान होंगे। हदीस पाक अल्लाह के महबूब फरमाते हैं जब गुनाहगार हशर के दिन रोएंगे उनके जिस्मों से गर्मी से पसीना निकलेगा, किसी की एड़ी तक पसीना होगा, किसी के टखने तक पसीना होगा, किसी के घुटने तक पसीना होगा, कोई नाफ तक पसीने में गर्क होगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कोई कूल्हे तक पसीने में गर्क होगा, कोई मुंह तक पसीने की लगाव लगी होगी, कोई कानों तक पसीने में गर्क होगा, इतनी परेशानी होगी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मेरे प्यारे असाबा, लोग इस परेशानी और इंतज़ार में अल्लाह से अर्ज़ करेंगे या अल्लाह ये तकलीफ़ हमारे बर्दाश्त की नहीं है। किस चीज़ का इंतज़ार? हिसाबो किताब का इंतज़ार और हशर की तकालीफ। फरियाद करेंगे या अल्लाह ये परेशानी और इंतज़ार हमारे बस का नहीं है, तू हमें जहन्नम में डाल दे, इस परेशानी से निजात अता फरमा। उस ऐसी परेशानी में अल्लाह अगर किसी को बख्श दे वो कैसे बख्त वाला होगा, अल्लाह इन तकलीफ से निकाल ले वो कैसा नसीब वाला होगा। हदीस पाक में आता है खुदा के रसूल वाइज फरमा रहे, एक शख्स खड़ा हो गया, नबी पाक का वाज सुना, उठ के खड़ा हो गया, कहता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं बड़ा गुनाहगार हूँ। खुदा के रसूल ने अपना वाज जारी रखा, नसीहत करते रहे, जब वाज मुकम्मल करके फारिग हुए मेरे महबूबे पाक ने उसको बुलाया, इरशाद फरमाया बता तेरे गुनाह ज्यादा या आसमान के सितारे ज्यादा। वो कहता है या रसूल अल्लाह मेरे गुनाह ज्यादा। मेरे महबूबे पाक ने फरमाया तेरे गुनाह ज्यादा या बारिश की बूंदें ज्यादा। अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे गुनाह ज्यादा। मेरे महबूबे पाक ने फरमाया तेरे गुनाह ज्यादा या जमीन के जर्रे ज्यादा।
अर्ज की, या रसूल अल्लाह मेरे गुनाह ज्यादा। मेरे महबूबे पाक ने फरमाया, बता तेरे गुनाह ज्यादा या दरख्तों के पत्ते ज्यादा। अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे गुनाह ज्यादा। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, बता तेरे गुनाह ज्यादा कि अल्लाह की रहमत ज्यादा। बता तेरे गुनाह ज्यादा कि अल्लाह की रहमत ज्यादा। उसकी आंखें झुक गई, आंखों से आंसू जारी हो गए, वो रोने लगा। मेरे महबूबे पाक ने फरमाया, जा तू कसरत से पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह तेरे सारे गुनाह माफ फरमा देगा। मेरे प्यारे भाई, मेरे बेटे, अल्लाह के महबूब फरमाते हैं, तराजू के एक पर्रे में सातों जमीन और सातों आसमान और जो कुछ इसमें है वो रख दिया जाए, और दूसरे कलमे दूसरे पर्रे में ला इलाहा इल्लल्लाह रखा जाए, ये पर्रा भारी हो जाएगा। क्या कलमा है, क्या इसकी बरकतें। इस कलमे के सदके से फत गुनाह माफ नहीं होते। अल्लाह ताला इस कलमे के सदके से जहन्नम से निजात अता फरमा देगा। अल्लाह ताला इस कलमे के सदके से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात नसीब फरमा देगा। हदीस पाक, हजरत सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला नो रवायत फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो नमाज फजर के बाद 100 बार सुबहानल्लाह या 100 बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह माफ फरमा देगा। हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला नो फरमाते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो दिल के इखलास के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा, अल्लाह उसके लिए जहन्नम को हराम कर देगा। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला नो फरमाते हैं, मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोजे महशर आपकी शफात का सबसे ज्यादा हकदार कौन होगा। नबी पाक ने फरमाया, अबू हुरैरा मुझे यही गुमान था कि सबसे पहले तू मुझसे ये बात पूछेगा। फिर मेरे महबूबे पाक ने फरमाया, अबू हुरैरा जो इखलास के साथ, जो दिल के इखलास के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा, वो सबसे ज्यादा मेरी शफात का हकदार होगा। हदीस पाक, हजरत अंस रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं, एक ऊंट के पालान पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और माज बिन जबर रजी अल्लाह ताला लोग बैठे हुए जा रहे थे। मेरे महबूबे पाक ने फरमाया, ऐ माज बिन जबल, आपने कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ। फिर मेरे नबी पाक ने फरमाया, ऐ माज बिन जबल, मैंने फिर कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ। तीसरी बार फिर मेरे महबूबे पाक ने फरमाया, मुआज़ बिन जबल, मैंने कहा या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मुआज़ बिन जबल, जो दिल के इखलास से पढ़ेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल फरमाएगा।
आप फरमाते ये सुनते ही मैं खुशी से ऐसे कूदा कि ऊंट से जाकर नीचे गिरा। मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं इस बात का ऐलान कर दूं जो इखलास दिल के इखलास के साथ पड़ेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल फरमा देगा। मेरे महबूब ने फरमाया है माद बिन जबल, फिर लोग इसी पर तकिया कर लेंगे। अल्लाह और उसके रसूल की मंशा तो ये है कि वो नेकी के अमल करें। मालूम ये चला, इसमें कोई शक नहीं कि कलमा तैयबा पढ़ने वाला अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा, लेकिन मेरे प्यारे महबूब ने अमल करने का हुक्म दिया है। अमल करते रहो, हमारे अमल की तो औकात तो हैसियत ही क्या है, लेकिन ये इतना बरकत वाला कलमा है, अल्लाह इसकी बरकत से मोमिनों को जन्नत में दाखिल फरमा देगा। मेरे प्यारे भाई, मेरे बेटे, दिल के इखलास के साथ इस बात को समझें कि ये क्या चीज़ है। या मेरे महबूब पाक ने फरमाया जो दिल के इखलास के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल फरमा देगा। तो साहबा कराम ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दिल का इखलास क्या है? अल्लाह के महबूब ने फरमाया मेरे प्यारे असाबा, जिस काम को अल्लाह ने हराम कर दिया, अल्लाह का मोमन बंदा वो काम ना करे, ये कलमे का इखलास है। क्या मालूम चला, हर वो काम जिससे अल्लाह ने रोक दिया, अल्लाह का बंदा रुक जाए और उसके बाद अल्लाह इसका अजर ये देगा कि इस चीज़ का इकरार करने वाला कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह ताला इसे जन्नत अता फरमाएगा। अल्लाह रब्बे करीम हमें ज़्यादा से ज़्यादा कलमा तैयबा का जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए, और वो काम जिसे अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है उससे बचने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हम दुनिया आखिरत में कामयाब हो जाएं। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। मैं बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। صدق الله.